दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर दोस्तों हमारे पास ये कंप्लेंट आती है कि सर, हमारे जो आरओ सिस्टम में इनपुट जहाँ से पानी की सप्लाई देते हैं प्री फिल्टर को, वो ब्लॉक हो जाती है, मिट्टी से मड से बार बार भर जाती है, जिसकी वजह से जहाँ पानी की सप्लाई कम हो जाती है और आरओ हमारा उसी वजह से ऑन नहीं होता, क्योंकि लो प्रेशर स्विच ऑफ ही रहता है। तो सर, कृपया हमें बताएं कि अगर हमारी पाइप ब्लॉक हो जाए तो हम इसको जल्दी से कैसे साफ़ करें, इजी हो हमें साफ़ करना, तो प्लीज़ हमारी जो हेल्प करें। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको, अभी तक यूट्यूब चैनल पे ऐसी कोई वीडियो नहीं बनी जिसमें इतना इजी तरीका बताया गया हो कि सर, इस तरह से पाइप भी साफ़ की जा सकती है। तो इस तरह से भी हम पाइप को विद इन 10 सेकेंड साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले आपने एक रबड़ लेनी है और उसको किसी धागे के साथ, धागे के एक एंड को आपने, जो पाइप आपने साफ करनी है उसके एक एंड से इसको पास करना है। तो इस पाइप के दूसरे एंड पे जब ये धागा निकला है तो इसको आप खींचिए और खींचते रहिए। अब देखिए दोस्तों, इस एंड पे सिर्फ रबड़ रह गई है, इसको हमने दूसरे एंड के साथ फिर खींचना है। और खींचने के बाद ये जो रबड़ है, इस पाइप के अंदर चली जाएगी। धीरे धीरे इसको इस एंड से अब बाहर खींचें आप। जितनी भी डस्ट होगी इस पाइप के अंदर, मड होगी, वो दोस्तों बाहर निकल जाएगी। एक बार आपको मैं निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सिर्फ 3 से 5 सेकंड का प्रोसेस है और रबड़ के साथ साथ पाइप बिल्कुल आपकी अंदर से साफ हो जाएगी बिल्कुल। तो इस तरीके से आप पाइप को रबड़ की मदद से साफ कर सकते हैं। अगर पाइप का साइज़ बड़ा हो तो आपको उसी हिसाब से रबड़ भी एक से ज़्यादा लेनी पड़ेगी, या बड़ी रबड़ या कोई और मटेरियल लेना पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत आसानी से फिल्टर पाइप को साफ़ कर पाएंगे।